आज हम फिडर फिट करेंगे, ठीक है, या ग्रीसिंग लगाने का, ठीक है, ये ध्यान देने का, और अपने को परफेक्ट ध्यान देने का कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पार्ट चलते हैं, ठीक है, एक बार का ध्यान रहे, ठीक है। मैं अभी फीड कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखना कि हमारा फीडर 1650 मशीन और 1117 हुआ, 1650 हुआ, कैसे फीड करते हैं हम, तो इसके ऊपर ध्यान देना कि हम पहले पार्ट को ये लगा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरह लगेगा, ठीक है, ये लग गया कंप्लीट, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट, ये वाला जो ये आगे पीछे होता है, इसमें क्या करने का, ये पहले लॉक लगा के वैसा लगा के इस पार्ट को लगा देने का, ठीक है, और इसमें स्प्रिंग फंसा देने का, ऐसा ये हमारा पार्ट लग गया, ये अंदर से काम करेगा, ठीक है, ध्यान रहे, भूल नहीं होए, इस तरह ये काम करेगा। हम अभी इसको और इस ये पार्ट इसमें लगेगा, ये वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान देना, और ये पीछे लगेगा, ये पार्ट पीछे लग गया और ये पार्ट इसमें लगेगा, ठीक है, ये लग गया और ये लग गया, ठीक है। अब ये पार्ट पूरा ये हो गया, लग गया इसमें, ठीक है। अब हमारा पार्ट लगेगा पीछे का फिडर का, ठीक है, ये वाला पार्ट फिडर में, ये वाला पार्ट इधर लगेगा, ठीक है, ध्यान रहे, भूले नहीं, ठीक है, और ये वाला होल है, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, इस पार्ट में फिट हो गया। अब हमारा ये वाइसर इधर लगेगा और ये लॉक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वाइसर लॉक लग गए, ध्यान रहे, भूले नहीं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर लगेगा और ये स्प्रिंग, ये दोनों इसे लगनी चाहिए, इधर ऊपर स्प्रिंग लगनी जरूरी है, ध्यान रहे। ये स्प्रिंग ये गियर को पोल सही करता है, तो गियर ट्रे चलती है, ये स्प्रिंग का ध्यान देने का, ये स्प्रिंग लगी लगी रहनी चाहिए, और लग नहीं लगी है तो अपन को लगा देने का, और ये पार्ट यहाँ पे फिट होएगा, ठीक है। ये पार्ट इसको टच होएगा बुश को इधर, और ये स्प्रिंग इसमें लगेगी, ठीक है, भूल नहीं होए। अब हमारा पार्ट गियर लगेगा, क्या, और अंदर के पार्ट भी लगेंगे, दोनों पार्ट का ध्यान देना। ये जैसे है, ये इधर लग गया, ये ट्रे को ऊपर लेके आता है, ये पार्ट ये चलता है और ये हिलता है, इसलिए ध्यान रहे। ये पार्ट लग गया, ये और वाइसर और लॉक लगा दो, ये वाइसर, ये लॉक लग गया, और इसके पीछे एक स्प्रिंग लगेगी, ये वाली, ये इसके पीछे लगती है, और ये इधर लगेगी, ठीक है, ये इसमें स्प्रिंग लग चुकी है, ठीक है। ये पार्ट ट्रे जब भी मशीन चलती है ये पार्ट काम करता है, और इस पार्ट की सेटिंग, इस पार्ट की ट्रे कितनी ऊपर आ रही, कितनी नीचे जा रही है, ये अपने को देखना पड़ता है, कि ज़्यादा तो नहीं आ रही, तो इसका ओरिजिनल सेटिंग का भी ध्यान देना पड़ता है अपने को, ठीक है।
ये फिटिंग का बता रहा हूँ, सेटिंग भी कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग में ट्रे ऊपर आ रही है नीचे जा रही है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं आप। अभी ये पार्ट इसमें टच होएगा, ध्यान देना, ये इसमें टच होना चाहिए ये पार्ट, बस परफेक्ट ऐसा। हाँ हो गया, परफेक्ट फिटिंग हो गई, ये अपने को मालूम हो गया कंपास से, ये परफेक्ट अपनी फिटिंग होगी। नीचे देख लेने का यहाँ पे फिटिंग कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं गियर और ये लगा रहा हूँ दोनों, और ये इस तरह अंदर डालने का, और ये पार्ट इसमें लगेगा, ये स्प्रिंग के नीचे वाला जस्ट पार्ट है, ये इसमें ये लग गया इसमें, और ये अपने को कर दो ट्रे ऊपर, ये पोल को ऊपर कर दो, ये हो गया लग गया गियर, और ये वाइसर, और ये लो लगा देने का, ठीक है। और ये वाला गियर इसमें लगा देने का, कौन सा, ये वाला, और बाद में ऑयलिंग कर देने का इसके ऊपर। तो अपने क्या, ये फीडर का फिटिंग हो चुका है, क्या हो गया, फीडर फिट हो चुका है, और खाली केम और दोनों पीछे के लगा लेने के, ठीक है। ये टाइट हो गया, फिटिंग इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है मैं कौन सा पार्ट कौन सा फिट कर रहा हूँ, आपको देखना अनिवार्य है कि मुझे ये देख के मुझे ये काम हो रहा है मेरा, ठीक है। अभी हम पीछे का केम लगा रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये केम लगाया, ये पार्ट फिट हो गया, ये फिट हो गया। अभी वाइसर लॉक लगा लो, ये वाइसर और लॉक, पंजा केम बोलते हैं इसको, अगर पंजा केम घिस भी गया है, पंजा केम आपका काम नहीं कर रहा ट्रेन में, तो मेरे पास अवेलेबल मिलेगा नया पार्ट भी, ठीक है। अब ये पट्टी फिट कर देने की अपने को, ठीक है, जो पट्टी इसी तरह इधर फिट होती है, और ये स्क्रू इसमें लगेगा। किसी दूसरी मशीनों में 1650 में ये सिस्टम आता है, तो अपने को ध्यान देना पड़ता है, और दूसरी मशीनों में क्या है कि दूसरा येलो यहाँ पे लॉक और वाइसर ही लगते हैं, 1117 है अपनी, ये लॉक और वाइसर इधर लग गए, इधर अंदर का 11 नंबर नट टाइट कर देने का, और लॉक और वाइसर इधर लगा लेने का। अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया, जान रहे भूल नहीं हो, और ये स्प्रिंग इधर लगा देने की, ठीक है। अब ये वाली पट्टी लगेगी, तो इसमें पट्टी में क्या है, खाली ये पट्टी और फिटिंग है, तो आपको ध्यान देना है कि पट्टिंग फिटिंग इस तरह होगी, ये पार्ट इस तरह नहीं लगेगा, ये पट्टी का इस तरह लगेगा, ये अंदर जा रही है, वो ये पट्टी गई, ये यहाँ से डाल दो, भले ये यहाँ पे आ गए, जो पट्टी इसके अंदर गई यहाँ से, ये इधर आ गई। इसी तरह आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ भी है प्रॉब्लम तो ऑनलाइन मुझे कॉल कीजिए, ये पट्टी फिटिंग हो जाएगी, नट लग जाएगा, बात खत्म, ठीक है। फिटर इसी तरह फिट किया जाता है, अगर ट्रे ऊपर आ रही है ऐसा कुछ भी है
आप कॉल करके भी पूछ सकते हो मुझे इसमें क्या समस्या आ रही है, आपको समस्या नहीं आएगी। बाय।